हेलो दोस्तों, मैं हूं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारे पास एक 24 इंच स्केल एलईडी टीवी है जो कि इसका मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है और इसको नया मदरबोर्ड इंस्टॉल किया गया है जो कि कस्टमर का है, खुद इंस्टॉल किया था। तो दूसरा मैकेनिक है, तो उन्होंने जो सर्विस मोड है वो सर्विस मोड में ये जो मिरर का फॉल्ट आता है वो इसको सेटिंग में नहीं आ रहा था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उसका जो बर्निंग मोड है उसको ऑन करा दिया। तो उसके बाद में इसका बर्निंग मोड जो है वो नहीं जा रहा था। तो हमारे पास सेम बोर्ड था तो वहाँ से हमने इसको फ्लैश कर दिया। हमारे पास सेम बोर्ड था तो हमारे पास सेम बोर्ड से इसका जो फ्लैश आई है इस आइज को निकल के, हमारे पास सेम बोर्ड था तो वहाँ से खुल के हमने इसको फ्लैश को कॉपी कर लिया हूँ 809 से, जो कि 809 ऐप है इसकी मदद से हमने इसको कॉपी करके दोबारा सॉफ्टवेयर डाल दिया तो इसका सही हो चुका है। लेकिन इसमें जो फॉल्ट, इसमें अगर पावर की दबाएंगे तो इस मॉडल में बर्निंग मोड जो है वो नहीं जाएगा, लॉन्ग टाइम पर उसको करने से भी ये नहीं जाता है बर्निंग मोड। तो इसमें तो हर किसी मॉडल में नहीं जाएगा, तो इन्होंने सेटिंग पे ऑफ कर दिया था, ऑफ ऑन या कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम कर लिया था उसके बाद में आ चुका था। तो इसका जो सर्विस मोड की सेटिंग है तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ आप लोगों को। जो मैं इसको लगा देता हूँ तो इसका मॉडल नंबर एक बार दिखा देता हूँ, मदरबोर्ड का RU10.671। तो इस पर हम जब इंस्टॉल करते हैं तो इसका स्क्रीन उल्टा हो गया आएगा, सीधा होकर नहीं आएगा, स्क्रीन जो है चेंजेस करना पड़ता है इसका कंप्लीट जब हम इसमें पावर देते हैं। यहाँ पर स्टैंड बाई करना पड़ेगा तो स्टैंड बाई कर ली, लॉन्ग पुच करने से स्टैंड बाई रिलीज हो जाएगा। उसके बाद में हमारा जो इसका होगा फॉल्ट है आप यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये अभी फॉल्ट नहीं है, मैंने अभी इसको सीधा करके रखा हो, फिलहाल मिरर प्रॉब्लम से इसको हटा दिया हूँ। अभी जो फॉल्ट है इसका, जो इसका सर्विस मोड है 208 इनपुट दबाएंगे सोर्स दबाएंगे तो यहाँ पर निकाला आएगा 208 इनपुट 208 दबाएंगे तो इसे यहाँ पर सर्विस मोड निकल गया। तो यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री सेटिंग, वीडियो ऑडियो सेटअप, वर्जन, पैनल नंबर, बुलेटिन टाइम, तो यहाँ पर इस तरह से आते हैं। तो इसको आपको अगर सेटिंग करना है तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला हिस्सा जो है वीडियो, इस पे चला जाना और यहाँ पर ओके करना है। जब हम यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग और भी आते हैं, जो यहाँ पर LBDS मैपिंग के भी फॉल्ट आ रहा है तो इसको भी सही हो करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें पैनल कंट्रोल में जाएंगे, तो इसके लिए हमारा ये स्विच नीचे के तरफ लाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम LBDS की जो 8-bit है इसको चेंज करके देखेंगे, तो ये नहीं होने से हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे LBDS। तो 12 6-bit, तो यहाँ पर करने से ये नहीं हो रहा, देख सकते। तो हम नीचे आएंगे LBDS कन्वर्टर, इसको करते ही हमारा जो ये है सही हो चुका है। तो ये ख़राब हो चुका है वापस जेदा, तो यहाँ पर करने से ये सही हो चुका है। तो आप करके देखिए अलग अलग। उसके बाद में हम ये जो रिवर्स, ये रिवर्स लिखा हुआ है, ये अगर ऑफ होता रहेगा तो आपका स्क्रीन जो है उल्टी दिशा से देखेगा, जैसे अब इधर देख रहे हैं पैनल इधर आ जाएगा और आपका उल्टा होगा स्क्रीन। उसके बाद का ऑप्शन होगी आपका जो बॉन्डिंग मोड आ जाता है आपका, तो मैं पीछे की ओर कर लेता हूँ। तो बॉन्डिंग मोड क्यों आता है, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले
सेटिंग में चला जाता है। देखिए सेटिंग में चला जाने के बाद यहाँ पर क्या करता है, बर्निंग मोड जो है इसको ऑफ है तो इसको ऑन करा लेता है, उसके बाद ही आपका जो फॉल्ट है ये बर्निंग मोड में चला जाएगा। जब यहाँ से बर्निंग मोड चला जाता है, जैसे ही यहाँ पर ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, तो आपका रिमोट की दबाने से भी मतलब नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप ऑफ हुआ होगा तो अब ये चला जाएगा, तो इधर नहीं जाना है आपको डायरेक्ट। अभी आपको यहाँ पर मेनू दबाएंगे, जैसे सेट टॉप में हो चुका है अभी, तो बर्निंग मोड में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। नीचे आएंगे, कीपैड या फिर 6 पावर ये सब चेंज कर सकते हैं आप, सोर्स को कितना नंबर की को कितना है उसको आप चेंज कर सकते हैं। बस वीडियो में जाएंगे, पिक्सर मोड, पैनल कंट्रोल, ये पैनल की सेटिंग यहाँ पर है वीडियो में जो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग और एक है जो कि आप लिखा हुआ फीचर स्विच, तो फीचर स्विच में जाएंगे तो आपको जो यहाँ पर कुछ और लोगो बूट लोगो मिलेगा LG अगर आगा, जो कि यहाँ पर LG है, तो ये डुप्लीकेट LG, तो यहाँ पर मैं LG कर देता हूँ। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर पावर मोड ऑन करता हूँ जाके हमारा सेट जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। तो यहाँ पर अभी हो चुका है, तो इस बोर्ड को आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो दोबारा मैं एक बार दिखा रहा हूँ, तो इसका सर्विस मोड सोर्स 208 दबाते ही आ जाता है, वीडियो सेटिंग, पैनल सेटिंग।